स्वामी जी, आपके सामने जो पुतला बैठा है ये 97 तक चीफ इंजीनियर था वाटर वर्ष में, फिर आचार्य तुलसी की गुरु कृपा से 98 में वानप्रस्थ मिला और 98 में कुलपति प्रोफेसर मतलब शिक्षा जगत में एंट्री लिया। 2001 में फिर इस पुतले ने पीएचडी भी कर ली। तो मेरे एक समकक्ष रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनके साथ बैठता हूँ और कई टेक्निकल चीज़ें भी मैं भूलूँ नहीं, उनसे सीखता रहता हूँ कि वो टेक्निकल चीज़ों की महारथी है, इसीलिए मैं उनके साथ में बैठता हूँ। मेरा अध्यात्म विज्ञान का विज्ञान भौतिक ये समन्वय जो है जुड़ा रहे। वो प्राय कहते हैं कि सोनराज जी अपन एक ही लाइन में, आप अध्यात्म में चले गए, शिक्षा में चले गए, मैं चीफ इंजीनियर रहा और आज भी इस उम्र में भी मुझे कोई कमी नहीं, आनंद है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मेरी पत्नी है और मेरे पूरा परिवार है, मेरे धन है, दौलत है, बंगला है, मतलब मेरे ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं। और आप बार बार मुझे जब आते हो बताते हो कि ब्लिस की बात करते हो, मोक्ष की बात करते हो और जो है उसके सूत्र बताते हो, तो बताओ कि मैं जब इतना ही आनंद में हूं तो मोक्ष में जाकर के क्या करूं और मोक्ष किसने देखा है। तो मैं उनको कहता हूं कि भाई रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, सारी बातें हैं। तो कृपया ऐसे बहुत बड़े चिंतक, बहुत ऊंचे पद वाले आईपीएस आईएएस वगैरह की भी मानसिकता, जज वगैरह की जो अध्यात्म में नहीं है वो भी प्राय यही कहते हैं। तो ऐसे चिंतनशील लोगों को सरल सरल जो है वो बात से आप बताइए कि आप कर रहे हो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञान को भी आप समझो, क्यों आपकी आपकी शार बुद्धि है, आप आगे लोगों को अपने तरीके से बताएं, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए ऐसे बुद्धिजीवियों को, चिंतक लोगों को अध्यात्म विज्ञान की ओर मोड़िए। बहुत सरल बात है और सहज बात है कि इंसान भले पढ़ा लिखा है, विचारक है, और विचारक संपूर्णता से तो नहीं है मगर जो अपनी फील्ड है उसमें विचारक है, और अपने पुण्य से उनका जीवन अच्छी तरह बिना बाधा या बिना रुकावट चल रहा है, अच्छी बात है, पुण्यशाली है। अगर वो विचारक होता, अगर ब्रॉड विजन वाला, तो वो सोचता क्या मेरा ये स्वास्थ्य परमानेंट ऐसा रहेगा, क्या मेरा परिवार माता पिता के साथ, भाई बहन कहो, पति पत्नी कहो, बच्चे कहो और मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहो, क्या हर समय ऐसा ही रहेगा, क्या मेरी आर्थिक स्थिति हर समय ऐसे ही रहेगी, क्या मेरे जीवन के हर संजोग, जो मैं कहता हूं मेरी बुद्धि है, मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हर समय ऐसा रहेगा। सोचो, कहने का मतलब यह है जैसे जैसे कोई चीज हमको प्राप्त होती है उसी के साथ उसका आयुष्य जुड़ा हुआ है। आप इंजीनियर हैं, हो सकता है आप बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, या तो आप आपके फील्ड में मास्टर है, हो सकते हैं, इट इज गुड, नॉट बैड, मगर यह भी तो समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे एज होती जाएगी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे आप उनसे आपका लगाव अलग हो जाएगा, आपके प्रोफेशन से, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, धीरे धीरे ये सब चीजें लुप्त हो जाएगी या तो माइल्ड हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेक्स्ट बर्थ में तो कैरी फॉरवर्ड होगी ही नहीं, या आपकी स्किल कहो, नॉलेज कहो, डिग्री कहो, अनुभव कहो, जो भी कहो, नहीं आगे होगा। तो आखिर हमको सोचना पड़ेगा कि दिस इज ओनली फॉर 30, 40, 50, 60 ईयर्स ओनली, और उसको हमने वैल्यू बना दिया कि आगे भी हमारा लाइफ है, उसके लिए भी सोचे। आज हमको अच्छी तरह सुख सुविधा मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, परिवार भी अच्छा है, हम सब कुछ जो हमारा फील्ड है उसमें जानकारी भी अच्छी हमारी है, अच्छी बात है, मगर ये आप मत भूलो
कि बचपन से लेके आज तक आपको जो कुछ भी संजोग पॉजिटिव मिले हैं वो पिछले अवतार के आपके पुण्य का ही फल है। आपको खुद को भी मालूम है कि कहीं सारे बालक या बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी, अच्छे अच्छे बालक भी एजुकेशन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये भी एक संजोग है। ये भी हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी भौतिकता के बारे में, लक्ष्मी के बारे में बहुत आगे बढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल बात यह है कि जो थिंकर पीपल होते हैं वो आगे का सोचते हैं कि फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। अगर मैंने बचपन में खेल लिया आगे क्या, पढ़ाई कर लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया आगे क्या, पैसा कमाया आगे क्या, शादी कर लिया आगे क्या, बच्चे को बना, बच्चे को जन्म दे दिया आगे क्या, इनको पढ़ाया, उनकी भी शादी करवाई आगे क्या, हम रिटायर हो गए आगे क्या। फिर एक दिन हमको मालूम है कि जो कुछ हमने आज तक किया, शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, अपने भविष्य के लिए किया, आखिर ये सब कुछ तो छोड़ना है और नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो आपने आपने कौन सी बड़ी प्राप्ति कर लिया, ये कोई परमानेंट सत्य तो है नहीं, ये कोई परमानेंट अवस्था तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो भारतवर्ष के या विश्व के हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आखिर हमने इतना सारा संशोधन किया, फाइव एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च किया, रियलाइजेशन किया, डिस्कवर किया, उसके बाद भी हमको ये समझना बाकी है कि जिनकी प्रेजेंस में ये डिस्कवर हुआ है वो कौन है वो जानने का हमको बाकी है। इसको कहते विचारक, कितना पाया वो नहीं, अभी आगे क्या है, कुछ तो पाने का है, दिस इज नॉट अल्टीमेट। तो इसको साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कभी मरता नहीं है, शरीर समाप्त हो जाता है, उनका उनकी जो विचारधारा है, उनकी सोच है वो कभी समाप्त नहीं होती है अंतिम सत्य तक। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप, आपके जीवन में सुखी है, संपन्न है, स्वस्थ है, परिवार भी आपका ठीक चल रहा है, अच्छी बात है, आपके पुण्य की बात है। मगर एक बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शरीर को तो एक दिन जलाना ही है, परिवार और संपत्ति को छोड़ना ही है, डिग्री भी यहां ही छोड़ना है, और जो साथ में आने वाला है वो सिर्फ आत्मा के साथ कर्म आएगा, जो कर्म की भुगतान हमको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी, ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए इस अवस्था जो वर्तमान में हमारे पास है इसका अहम मत करो, एक दिन समाप्त संपूर्ण हो जाएगी और हर समय समाप्त हो ही रही है हमारे आयुष्य कर्म के साथ। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से, यथार्थ दृष्टि से, विशाल दृष्टि से, एक थिंकर के हिसाब से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन खुद का ही धन्य बनाएं।